10 साल के बच्चे को भी पोलियो कतरे पिलाना लाजिम। आज से शहर में दोबारा पोलियो मुहिम शुरू। वज़ीर-ए-आला खुद बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। पोलियो के सामने आने पर हुकूमत ने हंगामी इकदाम किए। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, बातों से काम नहीं चलेगा, पोलियो से मुतालिक इकदाम की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। जमानत पर रिहाई के बाद अदालती पेशी, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, रमजान शुगर मिल केस, शहबाज शरीफ का आज एहतसाब अदालत में पेश होने का फैसला। शहबाज शरीफ की वकला से मुशावरत मुकम्मल। साबिक वजीर आला पर फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। सानिहा मॉडल टाउन जीआईटी की तहकीकात में पेशरफ। 62 पुलिस अफसरान और अहलकारों को तलब कर लिया गया। तमाम अहलकार सानिहा मॉडल टाउन के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। कातिल डोर ने जिंदगी की एक और डोर काट दी। इबादत कॉलोनी में पतंग की धाती डोर से नौजवान जांबक हो गया। लालाजर कॉलोनी का 18 साल कदीर मोटरसाइकिल पर जा रहा था, खंबे पर फंसी धाती डोर नौजवान से लिपट गई। बुरी तरह झुलसने वाला कदीर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की भर्तियों का पर्चा आउट होने का मामला। दो सरकारी अफसरान समेत 3 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान ने 1000 अफराद को पर्चा फरोख्त किया, 5 से 8 लाख रुपए फी पर्चा वसूल किए। FIA ने पैसे देने वाले अफराद का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ की शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल। नवाज शरीफ का एक बार फिर ड्रॉप आई टेस्ट करने का फैसला। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक, खुराक में रद्दोबदल की है। PIC और सर्विसेज अस्पताल की रिपोर्ट्स मिल गई। मेडिकल बोर्ड इलाज से मुतालिक कल तक किसी हतमे फैसले तक पहुंचेगा। प्रिंसिपल जिना अस्पताल आरिफ तजम्मुल की गुफ्तगू। तफसीली रिपोर्ट महकमा दाखिला को भेजी जाएगी। MS जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, सख्त फैसले करना पड़ेंगे। मईशत को दुरुस्त में लेकर जा रहे हैं। मईशत को हमेशा के लिए ठीक करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। IMF की शराइत पर हमारे कुछ तहफ्फुज़ात हैं। वज़ीर मुमलिकत ब्राय रेवेन्यू हमाद अज़हर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI किए गए वादे पूरे करे, हुकूमत की जानिब से आजादी इजहार पर पाबंदी काबिल मुज़म्मत है। पीपल्स पार्टी लसानियत की सियासत नहीं करेगी, पार्टी को एक बार फिर पंजाब में मजबूत करेंगे। हसन मुर्तजा की PP रहनुमाओं के हमराह गुलबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैक्ट्री एरिया में तेरे कत्ल का मामला। मकतूलीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। नमाज जनाजा अदा। अजीज व अकारिब समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इलाके में शोक की फजा बरकरार। बेदिया रोड के ताजिर भी अंजुमन ताजिरान लाहौर में शामिल। शमूलियत के मौका पर शानदार तकरीब। मरकजी रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल। सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मकसूद भट बोले, मेन बाजार बेदिया के ताजिर भाइयों का भरपूर साथ देंगे। शहर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाने का प्लान। मेले ठेले, आतिशबाजी, म्यूजिकल शो, बर्ड शो, कट फ्लॉर और मैराथन मुकाबले। जश्न बहारा की तैयारियां। जिले इंतजामिया ने शेड्यूल जारी कर दिया। 17 फरवरी से 28 मार्च तक फेस्टिवल के प्रोग्राम फाइनल। सदाए म्यो फोरम के जेर तमाम रावण रोड पर शादियों की पुरवकार इज्तमाई तकरीब। 50 दुल्हने पिया घर सदार गई। हर दुल्हन को कीमती जहेज भी दिया गया। अलाउद्दीन ट्रस्ट के जेर तमाम भट्टा चौक में सूफी कॉन्फ्रेंस। नात खानों की जानिब से नातिया कलाम पेश। उलमाए कराम ने औलिया अल्लाह की जिंदगी पर रोशनी डाली। और बागे जिना ओपन एयर थिएटर में फैज अमन मेला। नामवर गुलकारों ने आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। रंगारंग म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज ने हाजरीन के दिल मोह लिए।